गुना शिवपुरी लोकसभा सीट से सांसद रहे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मौजूदा सांसद केपी यादव के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कभी सिंधिया के निकटतम सहयोगी रहे केपी यादव ने पिछले दिनों पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सिंधिया समर्थकों के खिलाफ पत्र लिखा, तो अब सांसद के खिलाफ राघोगढ़ क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ता गुंडागर्दी का आरोप लगा रहे हैं। किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष अपने समर्थकों के साथ भोपाल में पार्टी प्रदेश कार्यालय में उनके खिलाफ शपथ पत्र सौंपा है। किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष प्रेम शंकर वर्मा ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में सांसद केपी यादव के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए। वर्मा ने कहा, सांसद केपी यादव के रिश्तेदार के खेत में उन्होंने फसल लगाई थी, लेकिन 5 लाख की फसल नहीं दी गई। खेत में जहां उसने अपने रहने के लिए मकान बनाया था, उस पर कब्जा कर लिया गया। बीजेपी कार्यालय ये मामला लेकर आया हूं कि 21 तारीख के दिन मेरे साथ बड़ी घटना मारपीट कर दी गई है। उसमें गोपाल पडवा, प्रकाश मीना, तगत सिंह मीना और 4-5 लोगों ने जो हमला किया, उस पर कोई FIR सही सोट नहीं हुई है, ना लूट की धारा लगी है, जबकि मेरे पैसे ना उस FIR में मुख्य आरोपी का नाम है। और ये सब आज से 4 महीना पहले से केपी यादव जो गुना के सांसद है, उनके द्वारा मेरे ऊपर बार बार मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, क्योंकि मैंने 4-5 महीना पूर्व में उनके खास रिश्तेदार की एक ज़मीन बोई थी और उस ज़मीन में 5 लाख के लगभग फसल निकली, जो पूरी फसल भी उन्होंने रख ली। और मुझे डरा धमका कर मुझ पर झूठा मुकदमा, जब जिस खेत में अपन सब्जी या कुछ बोते हैं या फसल लगाते हैं, तो अपन वहीं रहने के लिए मकान भी होता है और उसी में हम निवास करते हैं, तो मैं उसी मकान में रहता था, जिसमें मुझ पर झूठा आरोप लगा दिया कि ये मेरे मकान पर रहते हैं।